नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है। एक बार फिर से प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग एम में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में काफ़ी भर्तियां आई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिसमें परमानेंट भर्ती की बात करें तो उसमें 8 भर्तियाँ रखी है और यूटी बेसिस पे भी हर जिले वाइज भर्ती हो रही है और NHM के द्वारा भी भर्ती निकल चुकी है। और कल लैब टेक्नीशियन की लिस्ट आई थी, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको नर्सिंग एम की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और साथियों, यूट्यूब बेसिस पे भी भर्तियों का रुझान है वो शुरू हो गया है, लिस्टों का आना शुरू हो गया है और पोस्टिंग ऑर्डर भी आने शुरू हो गई हैं। उदयपुर ज़िले के अभ्यर्थियों के पोस्टिंग ऑर्डर निकल चुके हैं, MO के, नर्सिंग ऑफिसर, NM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और सहायक रेडियोग्राफर। उसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दी है। और बाड़मेर ज़िले के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हुआ था और अब आपत्ति के लिए 6 तारीख की डेट दी है, तो अगर किसी को आपत्ति है तो वो भी अपनी आपत्ति दे सकते हैं, कल तक आपत्ति का समय है। उसके बाद बाड़मेर ज़िले की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी यूटीवी संबंधित या परमानेंट भर्ती संबंधित या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती की इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो उसके ऑर्डर जो भी होते हैं PDF होते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि वीडियो कभी कभी टाइम नहीं रहता है ड्यूटी की वजह से, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर हैं वो PDF अपलोड कर देते हैं। तो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सारी भर्तियों का, जैसे कल लैब टेक्नीशियन की आई थी। और जोधपुर ज़िले के अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत बधाई जिनके पोस्टिंग ऑर्डर निकल चुके हैं और सबको ड्यूटी लिस्ट है वो अलॉट कर दी है कि आपको यहाँ पे पोस्टिंग है और यहाँ पे आपको अपना पहले। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और भर्ती की, यह है जोधपुर ज़िले की, जो यूट्यूब बेसिस पे भर्ती निकली थी उसकी लिस्ट लेके आए हैं। पोस्टिंग ऑर्डर है वो निकल चुके हैं, कार्य आपको कहाँ ग्रहण करना है और सबसे पहले आपको किसके समक्ष आपको उपस्थित देनी है तो वो भी हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो साथ। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट लाते रहें। और अपने मित्रों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो चलते हैं साथियों, क्या है कुछ इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जोधपुर ज़िले के जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको नर्सिंग एम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर, 4/10/2023 कार्यालय आदेश। तो नर्सिंग अधिकारी के 110 पद के रिक्त पदों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राजस्थान व चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिनियम व अन्य भर्ती नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था यूटीवी आधार पर 37,800 प्रतिमा भरे जाने हेतु निर्धारित शर्ताधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो 110 पद थे नर्सिंग ऑफिसर के, आपको पता है कि जोधपुर में जो यूटीवी बेसिस पे निकली थी 110 पद थे और 37,800 आपका मानदेय रहेगा, 37,800 आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है सभी को। और जल्दी से जल्दी दोस्तों ज्वाइनिंग है वो कर लीजिए। 17/8/2023 के द्वारा नर्सिंग अधिकारी के आवश्यक ऐसे आधार पर चयन की जाने हेतु चयन समिति गठित की गई थी, जिनके द्वारा रिक्तियों के अनुसार चयन प्रक्रिया संबंधित कर चयन सूची तैयार की गई थी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक तो 110 अभ्यर्थियों का नर्सिंग अधिकारी के विज्ञप्ति नियम रिक्त पदों में 23/24 अथवा रिक्त पदों व नियमित नर्सिंग अधिकारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो उनकी ग्रहण कार्य ग्रहण तिथि से 37,800 प्रतिमा दर के अनुसार आवश्यक आधार पर टेम्परेरी पर चयन किया जाए। तो 29/9/2023 तक, इसके उपरांत अभिवर्धि 3/10/2023 तक में
दस्तावेज सहित कार्य ग्रहण किए जाने हेतु निर्देशित किया था। कॉलम संख्या 6 में अंकित चिकित्सा संस्था में नर्सिंग अधिकारी नियमित रिक्त पद पर किए जाने आदेश अदालत द्वारा जारी है, तो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। ये सीरियल नंबर है, सिलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर यू टू बी, ये नेम दे रखा है, ये फादर्स नेम दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पोस्टिंग प्लेस और कंट्रोलर ऑफिस ऑफ BSMO। तो आपको सबसे पहले BSMO में आपकी उपस्थित देनी है, BCO में आपको पहले उपस्थित देनी है, और आप फिर आपको जो सेंटर दे रखा है वहाँ पे आपका पोस्टिंग प्लेस रहेगा, जिसमें नंबर 1 में देखे रेणु, रमेश चंद्र पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो 29/9/2023 को डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी थी। पोस्टिंग प्लेस है वो CSE, और भी आपको पहले BCMO में रिपोर्टिंग देनी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं जो यूटीबी में सिलेक्ट हुए हैं। उपरोक्त नर्सिंग अधिकारी यूटीबी मध्यान्ह पश्चात इस कार्य में कार्य मुक्त कर निर्देश किया जाता है कि वे संबंधित नियंत्रण अधिकारी कॉलम संख्या 7 में अंकित खंड मुख्य चिकित्सा के माध्यम समझ पदस्थापन पर LM कार्य ग्रहण करें। तो ड्यूटी लिस्ट है, पोस्टिंग डेट है वो जारी कर दी गई है, तो सभी पोस्टिंग ऑर्डर निकल चुके हैं, तो ज्वाइनिंग करें साथियों। और परमानेंट की भी लिस्टें जल्दी आने वाली है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्यारी सी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।